Okay, so we are going to learn experiment number 2 of microprocessor and assembly language programming subject, that is simple 8085 programs. So first program of experiment number 2 is write a program to do the following task. So there is a two task, A and B. So A task we will perform first of all, that is load an 8 bit data 25H in register B, 30H in register C, and 35H in register D using MVI instruction. So hum programs or practical perform karne ke liye ek simulation use kar rahe hai, that is sim8085.com. okay, first video mein maine iska introduction de diya tha ki how to use this. Aaj hum iste program karna start karenge. To jo hamara first practical hai, that is storing certain context, storing certain immediate data into given register. तो हमें फर्स्ट प्रोग्राम की जो डेफिनेशन हमने देखी यहाँ पे, इसमें दिया है कि वी हैव टू लोड 8 बिट डेटा 25H इन रजिस्टर बी, 30H इन रजिस्टर सी एंड 35H इन रजिस्टर डी यूजिंग MVI इंस्ट्रक्शन. सो MVI इंस्ट्रक्शन इज यूजफुल फॉर मूविंग गिवन 8 बिट कंटेंट, 8 बिट इमीडिएट वैल्यू इन पर्टिकुलर रजिस्टर. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक लेबल यूज़ करना होता है, दैट इज़ स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद कॉलम. और उसी टाइम पे यदि हम एक हम बत ये भी दिखा दें कि कहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड होगा, तो हम एक लेबल और लिखेंगे, दैट इज़ एंड. और जैसे हम एंड लिखें उसके बाद में हम दिखाना कि जैसे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो तो यहाँ पर आके हॉल्ट हो जाना चाहिए, मीन्स दिस इज़ एंड ऑफ अ प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए. और इसके बीच में विथिन दिस पोर्शन वी विल राइट अवर एक्चुअल कोड. ओके, दैट विल बी एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. सो यहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा. जैसे सपोज हमने कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि 25H जो हमारा 8 बिट का इमीडिएट डेटा है उसे हमें स्टोर करना है रजिस्टर बी में. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे MVI, दैट इज मूव इमीडिएट कंटेंट इन टू रजिस्टर बी and that is 25H. H is for hexadecimal value. यहाँ पे 8085 simulation में हर एक चीज़ hexadecimal में होगी. जो यहाँ पे लिखा है 0x means यहाँ पे जो भी accumulator के content आएंगे वो भी hexadecimal में आएंगे, register B और C में आएंगे वो भी hexadecimal में, हर एक register के content hexadecimal में होंगे. यहाँ पे हमें लिखा है कि 0x800, ये एक memory location है जहाँ पे हम हमारा पहला program load करेंगे memory में. कोई भी एड्रेस होगा यहाँ पे भी लिखा है 0x0x इज इंडिकेशन फॉर हेक्साडेसिमल नंबर. तो ये पूरी की पूरी मेमोरी के एड्रेसेस जो 16 बिट के एड्रेसेस हैं हमारे पास, हर एक एड्रेसेस, तो ये सभी हेक्साडेसिमल में ही होंगे. ओके, सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे MVI V25H, दिस इज फॉर मूविंग 25H इमीडिएट वैल्यू इनटू बी रजिस्टर. सेकेंड इज 30H इन रजिस्टर सी. सो अगेन वी विल यूज MVI 30H, C रजिस्टर पे हम मूव करेंगे 30H. उसके बाद हम मूव करेंगे MVI D रजिस्टर में 35H. दिस इज 35H. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, ए प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम नंबर 1. तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया. यहाँ पे ये एक बात हमें ध्यान रखनी कि इसको हम एंटर मार के यहाँ पे नहीं लिख सकेंगे इस सिमुलेशन में, इट विल गिव एरर. कंपल्सरीली जहाँ पे हमने स्टार्ट लिखा है उसी लाइन से, उस विद इन दैट सेम लाइन वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ कोड. अब ये प्रोग्राम जैसे ही हमने लिख दिया, सबसे पहले हमें हमारी मेमरी में जो कि हमारी प्राइमरी मेमरी होगी, रैम कंसिडर कर सकते हैं, उसमें किसी भी एड्रेस पे इसको लोड करना होगा. उसके बाद ही हम फिर वो मेमोरी से उठा के हम एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं. तो जैसे हमने प्रोग्राम लिख दिया, लिखने के बाद सबसे पहले हमें ये बटन प्रेस करके ये प्रोग्राम लोड करना होता है. तो आई एम गोइंग टू लोड दिस प्रोग्राम इन मेमोरी, दैट इज आई स्टार्टेड, सॉरी दिस इज गिविंग एरर. ओके, वेन एवर यू विल ट्राई टू लोड दिस मेमोरी, दिस इज फॉर बटन इज फॉर असेंबल एंड लोड. तो जैसे असेंबल एंड लोड को प्रेस करेंगे इसमें कुछ एरर है तो ये दिखा देगा. यहाँ पे एक एरर है, एरर ये कि यहाँ पे मैं कॉमा भूल गया हूँ. तो ये मैंने कॉमा करेक्ट कर दिया. आई एम ट्राइंग इट वंस अगेन, नाउ इट इज सक्सेसफुली लोडेड इनटू मेमोरी. यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस हैज बीन कंपाइल्ड एंड लोडेड टू मेमोरी लोकेशन 0800. जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस था ये 0800 इन हेक्साडेसिमल, वहाँ पे ये प्रोग्राम लोड हो गया. अब
कौन से मेमोरी लोकेशन पे क्या लोड हुआ, तो वो हम इसको नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं असेंबल्ड आउटपुट। तो ये दिखा रहा है कि ये जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था MVIB25H, ये पूरे इंस्ट्रक्शन का एक मशीन कोड जनरेट हो गया, दैट इज 637। ये हमारा जो इसमें हमारा MVI ये ऑपरेंड है, सॉरी ऑपकोड है, और BN25H ऑपरेंड है। ओके, तो ये हमारा 2 byte इंस्ट्रक्शन है, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। और दिस 66 इज ऑपकोड, 637 इज ऑपकोड, बट इन मेमोरी इट विल लोड ओनली 6 बिकॉज वी आर हैविंग 8 bit ऑफ कैपेसिटी ऑन एवरी मेमोरी लोकेशन। तो 1 byte का ऑपकोड मतलब 6 लोड होगा एक मेमोरी लोकेशन पे, और दूसरे मेमोरी लोकेशन पे 25 जो हमारा इमीडिएट है, ऐसे ही करके हर एक इंस्ट्रक्शन लोड हो गया। तो एज वी नो दैट कि हमारा 0800 एड्रेस से प्रोग्राम लोड होना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जाके हम सर्च कर सकते हैं कि क्या कैसे लोड हुआ है। 0800 जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे आ जाए दिस फर्स्ट एड्रेस इज 0800। तो ये 06 जो मैंने ऑपकोड बोला, जो यहाँ पे लिखा मैंने, वो लोड हो गया ऑपकोड फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। एंड जो हमारा ऑपरेंड हमने दिया था 25H, वो हमारे सेकेंड बाइट पे मतलब सेकेंड एड्रेस पे ये हो गया। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज 2 byte इंस्ट्रक्शन, 1 byte इज स्टोरिंग ऑपकोड, 8 bit इज स्टोरिंग ऑपकोड, एंड सेकेंड 8 bit दैट इज सेकेंड बाइट इज स्टोरिंग अवर गिवन ऑपरेंड दैट इज 25 दिस वन। ओके, सिमिलरली फॉर नेक्स्ट वन, ये जो इंस्ट्रक्शन है MVIC30H उसका ऑपकोड है 0E, और 30H जो हमारा इमीडिएट डेटा है वो सेकेंड मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया। तो ये दोनों ने 8 bit रिक्वायर किया, मीन्स टोटल इट इज 2 byte इंस्ट्रक्शन, सेम फॉर द डी। तो ये हमारा हो गया 16, ये जो है हमारा ऑपकोड है, और 35 जो हमने इमीडिएट डेटा दिया वो है। फिर लास्ट में HLT, HLT इज अ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वी विल लर्न दिस इन अ थ्योरी। तो HLT के लिए एक ऑपकोड है, दैट इज 76। ऑपकोड मीन्स एक मशीन कोड बाइनरी में होता है, जो हर एक ऑपरेशन हम इंस्ट्रक्शन जो पहले से फिक्स रहते हैं उसका एक बाइनरी में कोड रहता है, लेकिन हम उसको ह्यूमन रीडेबल कैन नॉट नहीं होता है, इसको ह्यूमन बींग कैन नॉट रीड, तो हम उसको एक ह्यूमन रीडेबल नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड निमोनिक। सो HLT इज अ निमोनिक। ओके, सो दिस HLT निमोनिक जिसका मशीन कोड है 76, वो यहाँ पे स्टोर हो गया, यह पूरा प्रोग्राम अब मेमोरी में लोड हो चुका है। नाउ वी हैव टू रन दिस प्रोग्राम, सो वी आर हैविंग टू ऑप्शन, आइदर वी कैन रन वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम और होल प्रोग्राम एट अ टाइम। By pressing this button, we can run whole program at a time. By pressing this button, we can run one instruction at a time. So we will run whole program at a time. Okay, let me show you first how to run one instruction at a time first. So I am pressing this button. So this first instruction is in execution at the moment. Okay, MVIB25H. So this execution is going on. Okay. I will press it again. Maybe it is taking more time due to some slower network. Okay, so first instruction is executed successfully, MVIB25H, means this B register is having content 25. This 25H is now stored in B register B. This is content of B register, and this next is the content of C register. So the 25H हमने दिया वो B register में आ गया, ये एक instruction हमारा execution हो गया, अब ये point कर रहा है दूसरे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट है, स्टार्टिंग हमने किया था 0800 मेमोरी लोकेशन पे, अभी एक इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो दूसरा जो इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए उसका ये एड्रेस है। प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड दिस 0802 इज अ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज MVIC30H। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ऑपकोड फॉर 0, ये एड्रेस पे 0 is opcode for this second instruction and this is operand. तो ये address जो आप हम hover करेंगे तो दिखाई देगा 0802. तो यहाँ से हमारा next instruction एक होगा जो memory पे load है 0, ये address पे उसको हम load करके next लाएंगे, तो उसका address यहाँ पे store है। This is use of program counter. Okay. So I am running one more instruction. So this is executed. तो C register में हमारे 30H आ गया, ठीक है, और हम मैं यहाँ पे प्रेस करूँ तो पूरा प्रोग्राम एक साथ हो जाएगा, तो आई एम प्रेसिंग इट। ओके, सो सभी के सभी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस स्टार्ट लेबल टू एंड लेबल इज एग्जीक्यूटेड एट सेम टाइम। तो बी रजिस्टर में 25H आ गया, सी रजिस्टर में 30 आ गया, और डी रजिस्टर में 35 आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम
that is B is copy the content of register B to register A and register D to register E using MOV. So MOV एक ऐसा data transfer instruction है जिसका use करके हम एक register के content भी दूसरे में copy कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम MOV use करेंगे और हमें दिखा है कि हमें copy करना है B के content A में। तो हम सबसे पहले जो destination register है उसका नाम हम पहले लिखेंगे A comma B, means we are copying content of B register into A. पहले लिखेंगे डेस्टिनेशन रजिस्टर, फिर लिखेंगे सोर्स रजिस्टर। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बी रजिस्टर के कंटेंट है वो ए में आ जाएंगे। ए इज़ अवर एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो बी के कंटेंट 25H वो ए में आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर है डी टू ई, मीन्स डी रजिस्टर के कंटेंट है उसको हमें मूव करना है ई रजिस्टर में। सो आई विल राइट अगेन एम ओ बी ई कॉमा डी, क्योंकि डी के कंटेंट हमें ई में लिखना है। ओके, डी के कंटेंट ई में कॉपी करेंगे। जिस जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर जिसमें से कॉपी करना है वो लिखेंगे सोर्स रजिस्टर। तो अब मैं पूरा प्रोग्राम वापस से मेमोरी में लोड कर रहा हूँ और पूरा प्रोग्राम में अगेन आई एम, मैं ये सब पूरा रीसेट करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। सपोज बाय प्रेसिंग, ये मैंने एग्जीक्यूशन स्टॉप किया जो पिछला वाला चल रहा था, ये मैंने रीसेट प्रेस किया तो ये सब रीसेट हो गया, मेमोरी भी सब रीसेट हो गई। ओके, नाउ आई एम लोडिंग होल प्रोग्राम अगेन, देन आई एम एग्जीक्यूटिंग होल प्रोग्राम नाउ। तो वी कैन सी 25H जो बी में आ गया, 30H जो सी में आ गया, 35H जो डी में आ गया, फिर मूव ए ए कॉमा बी, मीन्स बी के कंटेंट ए में आने चाहिए, तो बी के कंटेंट जो 25H थे वो ए में आ गए, दिस वन। ओके, सिमिलरली मूविंग कंटेंट ऑफ डी टू ई, तो डी के जो कंटेंट थे 35H वो ई में आ गए। सो दैट इज एंड ऑफ प्रोग्राम नंबर वन ऑफ एक्सपेरिमेंट वन, दैट्स इट।